मौसम एंजॉय करो तुम बाहर बैठ के। कल पेपर है तुम्हारा, पढ़ क्यों नहीं रही हो? मिमी मैं तुम्हें बताया था कि मेरी तैयारी पूरी है। मिठू देखते हैं ना यार, हवा तो वाकई में बहुत प्यारी है ना। अच्छा एक बात बताओ, मुझे अम्मी बता रही थी कि तुम हमेशा के लिए कराची जा रही हो। हमेशा के लिए? पागल हो गई हो तुम? सखर छोड़ के कौन कराची जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। इतना प्यारा शहर, यहाँ की तो धूप भी इतनी अच्छी लगती है, फिर ये रात, रात में चलती हुई सर्द हवा, चांद। क्या कराची का चांद बहुत बड़ा होता है? जो चांद यहाँ है वही चांद वहां भी होगा। समझ नहीं, दरअसल को देखो कितना बड़ा हो गया, 2 साल पहले कितना छोटा था ये। 2 साल में ये दरख्त तो बड़ा हो गया, लेकिन अब्बा अब तक लौट कर नहीं आया। पता है मुझे अभी इस घर से उनकी खुशबू आती है। एमी आज ताया शौकत आए थे घर, बहुत ही अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि ये घर भी उनके सपोर्ट होने वाले हैं बहुत जल्द। बल्कि वो तो कह रहे थे कि ये घर उनके हाथ बेच दिया जाए। और फिर क्या क्या बकवास करके गए अब वो? और फिर यही के तुम्हारा खलील का इस जुम्मे को निकाह कर दिया जाए। अम्मी इसी बात पर बहुत अफसोस है एमी, और मेरी तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि हम 20 लाख का कर्जा किस तरह से देंगे। अम्मा भी अपने बिस्तर पे चले जाइए, लगता गहरी नींद सो गई। किस अजाब में मुब्तला कर दिया तुमने मुझे फरीद? मैं आपके ख्याल से अजाब आप ही झेल लें। सर बाहर निकल के देखें, जालिम समाज दुनिया का सामना करें, फिर आपको पता चलेगा कि 10 घंटे में किस अजाब में गुजार कर आता हूँ। अरे किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो? 2 साल में तुम थक गए? अपने बाप को नहीं देखा? 16 साल की उम्र से लेके अब तक काम कर रहे हैं सबके लिए। ये उनकी अपनी चॉइस थी अम्मा। आज सब बोलो, दादी सो रही तुम्हारी। बताओ मुझे एडवांस का क्या हुआ? क्या ऑफिस नहीं आए थे तुम्हारे बॉस? आए थे। फिर है यही कि एडवांस भी मिलने वाला था। फिर हाँ तो फिर सुने, आपके शोहर मेरे बाप मोइनुद्दीन साहब का जो ईमानदारी का पढ़ाया हुआ सबक है ना, वो हमें ले डूबा। एक मजलूम के हक में हिमायत क्या कर दी मैंने, आवाज क्या उठाई? रिजवी साहब ने मुझे एडवांस तो छोड़े, नौकरी से ही निकाल दिया। या तो मैं उनको सॉरी का लेटर लिख कर भेजूं, या तो फिर मैं कल ऑफिस ही ना आऊं। फरीद कर लिया सही से? जी। वो तुम्हारी टीचर को पसंद आया तुम्हारी डिजाइन? हाँ अम्मी पसंद आया। आपको पता है ना 22 को जाना है मुझे कराची, जुमे वाले रोज। जुमे को तो तुम्हारे ताया आने का कह रहे थे निकाह के लिए, उन्हें हाँ भी नहीं कर सकते और ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं।
मुसीबतें कब अकेली आती, एक के बाद एक चली आ रही है। ठीक कह रही हूँ, पता नहीं मैडम सीमा भी कितना शोर मचाएंगी मेरे कराची जाने पर। वैसे उस खबीस औरत ने मेरी तनख्वाह काटी दी है। तो एमन वो क्या कहूँ भाई शौकत को, कहना क्या, अब ताया हमारे बड़े हमारा अच्छा ही चाहेंगे, जाहिर सी बात है। और फिर खलील और मेरी जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है, तो बस मैं राजी हूँ, बुला लो उन्हें। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब क्या कह रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, मैं राजी हूँ। और बल्कि काम करें, आप उन्हें आज शाम ही बुला लें। आज वो किस खुशी में? अरे भाई जोड़े बनवाना है शादी का, कौन सा कलर होगा, ज्वेलरी कैसी होगी, सब बताना तो होगा ना। और फिर आपको पता है खलील की चॉइस कैसी है। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे चक्कर से आ रहे हैं। मैं ये सोच सोच के परेशान थी कि ना जाने तुम क्या करोगी, खलील तुम्हें एक आंख नहीं भाता, इस निकाह का सुनके तो तुम आसमान सर पे उठा लोगी। कहाँ जा रही हो? अरे क्या हुआ शकीला, ये ऑफिस ही जाएगा फरीद, सो रहा है, अब तक 10 बज रहे हैं। थोड़ी सी उसकी तबीयत नहीं ठीक, इस वजह से सो रहा हुआ, सो रहा है। अच्छा तबीयत को नहीं, बात सुने, मेरा मकसद है कि उठेगा तो मैं दवा दे दूं, नाश्ता बना दिया, आप तो नाश्ता कर लीजिए। अच्छा बात सुने, जाते हुए अम्मा जी से जरा मिलते जाइएगा, लेजर ऑपरेशन कराने की रट लगाए बैठी हुई। अच्छा मैं देख लेता हूँ। एमी चोरों की तरह क्यों जा रही हो? एक तो तुम दोनों बहनें भी ना जाने क्या क्या ड्रामे करती रहती हो। कहीं नहीं, काम पर जा रही हूँ मम्मी। अच्छा रुको मैं बिल लेकर आती हूँ, आज बिजली के बिल की आखिरी तारीख। यार एमी अजीब लड़कियां हैं, जरा नहीं सुनती, अब खुद जाना पड़ेगा। फरीद कितने दिनों बाद तुम दिन की रोशनी में मिले मुझे, और क्या चल रहा है, और ये तुम अखबार कब से पढ़ने लगे, वो भी खरीद कर। एक तो तुम लोगों को टांग अड़ाने की बड़ी आदत। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं टांग अड़ा रहा हूँ? हाँ तो और क्या, अखबार क्यों खरीदा, क्यों पढ़ रहे हो, सुबह दिन की रोशनी में क्यों नजर आ गए, चलते हो सालों सबके साथ, कहीं मुझे जॉब न मिल जाए। क्या हो गया एंग्री हीरो, और ये तुम हर वक्त झुलसते क्यों रहते हो? तेरे इतला के लिए अर्ज है कि मैंने जॉब छोड़ दिया, अब दूसरी जॉब तलाश कर रहा हूँ। और कुछ पूछना? ओके ओके, अच्छा नाराज क्यों हो रहे हो, कल शाम को वीडियो चाय पिलाता हूँ। मैंने जॉब छोड़ी है इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास फजूल टाइम है, समझे?
अब्बा जी आपका सारा हो गया है 35 ग्राम और इसमें चांदी का खोट 10% है। देखिए मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि पैसे कितने मिलेंगे बस। वो तो मैं आपको बता दूंगा, फिक्र नहीं करें। ये आपके 1,20,000 हो गए। 1,20,000 नहीं तो बहुत कम है। अच्छा ये वाला इसका कितना मिलेगा? इसमें तो नग बहुत सारे लगे हुए हैं और टांका और कोट खोट निकाल कर इसमें आपको क्या मिलेगा, फिर भी देखता हूँ मैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि पैसे कितने मिलेंगे। ये देखें, ये आपको मिलेगा। क्या सोचने लगी मेरी बहन? भाई ये तो बहुत कम है। आप एक काम करें, ये सोना इधर छोड़ दें, कल मेरे सेठ साहब आएंगे, मैं आपको हाथ के हाथ पैसे दे। नहीं मुझे, मैं मेरे पास कल तक का टाइम नहीं है। बहन रुके तो सही आप। नहीं भाई मुझे नहीं बेचना यहाँ। देखो बहन, इस पूरी मार्केट में आपको कोई ये भाव नहीं देगा। तुम्हारा फोन क्यों बंद था और तुम मेरा जेवर क्यों लेके गई हो? कहाँ है वो जेवर? तुम्हें पता है मेरा आखिरी एहसास है, कहाँ जेवर बताओ। तेरी ख्वाब जिंदा रहे, तेरी ख्वाब जिंदा रहे। अम्मी क्या हुआ, क्यों खफा हैं आप? खफा नहीं हूँ, परेशान हूँ तुम्हारी नौकरी जाने से। झूठ बोल बोल के थक गई हूँ एक ऐसे शख्स से जो हर वक्त सच्चाई का दर्स देता है। साहब को अब ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, मैं शाम में बात कर लूंगा। बस कोई जरूरत नहीं तुम्हें अब्बा से बात करने की। क्यों तबीयत खराब है, टेंशन दोगे उन्हें? ये क्यों भूल रहा हूँ, नौकरी भी तुम्हें उन्हीं की वजह से गई। भी उन्हीं की वजह से? उनका सच्चाई का सबक वहां सुना दिया, चली गई नौकरी। ये दोनों ड्रेस जो है ना, ये अच्छी तरह पैक कर दो, अभी मुझे शरीफी का ड्राइवर है वो आके ले जाएगा। एमन क्या कर रही हो? दिखाओ जरा। ओह जेवर, इरम ने बार बार मुझसे कहा लेकिन मैंने इसकी बात पर कान नहीं धरे। मैडम ये मेरे हैं। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी माँ के देवर हैं। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? जी मैडम, मैंने इसे खुद देखा था, एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही थी, वही लड़का जो बाहर खड़े होकर इसके लिए आहें भरता है। कजिन है वो मेरा। बहुत देखे हैं ऐसे कजिन, कितनी बेगैरत हो तुम, अपनी माँ का देवर लेकर उसके साथ फरार हो रही हो। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। सुनो निकलो, निकलो फौरन मेरी बुटीक से, अगर मेरे कस्टमर्स को पता चल गया ना तो टूट जाएंगे और ये बुटीक है ना बंद हो जाएगा।
ऐसी कोई बात नहीं है मैम, ये मेरे हैं और मैं इनको बेचने लाई थी। ओह, तो मैडम कैश लेकर जाएंगी यहाँ से। अच्छा, मैं जरा अपनी टेबल पर जा रही हूँ, लेकर तो आओ अपने जेवर, देखूँ क्या क्या है। हाँ साईं, जुम्मे को निकाह की तैयारी चल रही है क्या? बस देख ले बिल्लू। और तू सुना कहाँ पर था? नहीं कहाँ, मैं तो बस आपको पता है वही दुकान पे ही बैठा हुआ था हार्डवेयर की, और कहाँ मैंने जाना इसके अलावा। चल पता नहीं सुलंगी कहाँ रह गया, लगा कि गायब ही हो गया। आ जाएगा साईं, अभी थोड़ा ये सूखता है ना, उसके बाद जरा चेहरा खिल के आता है। वजन तो ठीक है लेकिन डिजाइन बहुत पुराना है। मैडम आप प्लीज मुझे ये जेवर वापस कर दें, मेरे घर से बहुत सारे फोन आ रहे हैं, मैंने अपनी अम्मी को बताया भी नहीं था, मुझे लगा था कि मैं इसे 5 लाख रुपए में बेच दूंगी और फिर ताया के मुंह पर मार। बस बस ज्यादा ड्रामे मत करो, कभी ताया कभी अब्बा कभी अम्मा, सीधे सीधे डील करो ना मेरे साथ। मैडम आप ना मुझे ये 4 लाख में ले लें और मैं आपको सारा साल कमा कर जो है वो पैसे वापस दे दूंगी। क्यों, मैं तुम्हारी खाला लगती हूँ जो तुम्हें 4 लाख रुपए दे दूँ? और ना तुम्हारे बाप का पता ना तुम्हारे घर का पता, क्या गारंटी है तुम्हारी, कौन लेगा तुम्हारी जमानत? गारंटी तो सिर्फ अल्लाह की होती है मैडम। अल्लाह तो सबका है लेकिन मैं जो हूँ ना सिर्फ इस सोने को गारंटी मानती हूँ। ये सोना इधर दो और 4 लाख रुपए अपने हाथ में लो, बोलो डील मंजूर है? मैडम आप कितनी दरिया दे रहे हैं, आपकी जगह कोई और होती ना खड़े खड़े इसको नौकरी से फारिग कर देती। एमी क्या सोच रही हो? ओके मैडम, मगर एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ जल्दी बोलो, वैसे भी मुझे अभी बैंक जाकर कैश भी निकलवाना है। इस जेवर से मेरे अम्मी अब्बा की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, आप प्लीज इसे बेचिएगा नहीं, गिरवी रख लें, लेकिन मैं आपको ये पैसे वापस दे दूंगी, आप मुझे जेवर वापस दे दीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा जेवर अब मेरा हो गया, कोई मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगी। नहीं नहीं मैडम ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज ऐसे मत करें आप। अच्छा अच्छा सोचेंगे, अभी तो मुझे जाने दो, मुझे जाके बैंक से पैसे भी लाने। चलो फिर मैं बैंक जाती हूँ, तुम लोग बुटीक संभाल लेना। अरे वाह सुलंगी, कसम से जादू है तेरे हाथों में यार। बिल्लू चेक कर। साईं पप्पू लग रहे हो आप। जबरदस्त सुलंगी, ये पकड़ पूरे 200 रुपए, ये तेरी टेप और ये बाकी काम के, रख ले रख ले। और सुन, जुम्मे को सक्खर की सबसे खूबसूरत और मॉडर्न लड़की की तेरे भाई से शादी है, अबे तुझे तो पता ही बिल्लू। नहीं मैं तो हर जगह आपके साथ हूँ। एक बार ये निकाह विकाह से फारिग हो जाऊँ उसके बाद तुम सारे दोस्तों को कढ़ाई की दावत पे लेके चलूंगा, डुम्बे की कढ़ाई असली चर्बी वाली। अबे तू हंस क्या रहा है, तू भी आ जाना। चल अब ये तो हटा। एमी देखेगी तो पागल ही हो जाएगी। साईं पागल नहीं, लट्टू हो जाएगी लट्टू। चला जा। क्या हाल है? ओ थैंक यू सो मच, हाँ कर दिया तुमने। अच्छा अच्छा बाबा, वैसे शर्माओ तो नहीं, ये बताओ कि कैसा लग रहा हूँ? अभी अभी आया हूँ डेंटिंग पिटनी करवा के। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तुम्हें नहीं पता कि मुझे और अब्बा को यहाँ पे कितने सारे लोग जानते हैं, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? बे ऐसी की तैसी उनकी, 6 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है, और क्या सोचेंगे? निकाह हुआ नहीं है, होने वाला है, और जब हो जाएगा तब 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 मैं इस बाइक पे बैठूंगी ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे गले में बाहें डाल के तुम्हें तुमसे चिपक के। ओके दादी लाना हसीना, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा एमी इसी बात पे एक सेल्फी तो ले लो, ये कैसी लग रही हो, देखो जोड़ी कैसी लग रही है। तुम जाओ अभी प्लीज। अच्छा सुनो, वो मेरे मैसेज का इंतजार करना, रातों में मैसेज करूंगा दिन गिनवाने के लिए। आओ छोड़ दूं तुम्हें।
नहीं खलील, तुम अभी जाओ प्लीज। अरे आ जाओ, घंटा घर की सैर करते हैं। अभी नहीं ना, निका नहीं हुआ ना हमारा। तो क्या हुआ? नहीं भाई के, घंटा घर की सैर कराता हूँ, आ जाओ। बाद में, अभी तुम जाओ। कैसी तुम्हारी मर्जी। मैसेज का फिक्स है। अच्छा क्या बना लूं खाने में? आज तो भिंडी खिला दो, वो भी तीखे मसाले वाली। तुम खा लोगे? नहीं मैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। चाय ले आऊं? बाद में पीऊंगा। चलो आप चाय पी। क्या वो फरीकियां, खैरियत तो है? बाप से एक जरूरी बात करनी थी। बात यह कि रिजवी साहब ने मुझे जॉब से निकाल दिया। मुझे मालूम है। किसने बताया आपको? खुद रिजवी ने। और यह भी बताया कि किस तरह तुमने एक चपरासी की हिमायत की और उन लोगों ने तुम्हें जलील किया। मैंने तो अब हक बात करने वाले का साथ दिया था, जिस तरह आपने हमें तरबियत दी है। मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुमसे खफा नहीं हूं। यार इस मुल्क का क्या बनेगा? वो वही खून रेजी, बम धमाके, लूट मार के बाद। फिर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? देखो फरीद, रिजवी बुरा आदमी नहीं है। उसने खुद मुझे फोन करके बताया। उसने कहा कि तुम बहुत जोशीले हो, मैं तुम्हें समझाऊं कि इतनी छोटी छोटी बातों पर नौकरी नहीं छोड़ते। तो अब्बा फिर मैं क्या समझूं? देखो फरीद, इस घर को मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की तनख्वाह की जरूरत है। मेरी तनख्वाह से अगर घर का खर्च चलता है तो तुम्हारी तनख्वाह से घर के बिल, हाउस बिल्डिंग का खर्चा, अम्मा का इलाज, ये सब होता है। मैं क्या कहूँ बेटा, आप तो खुद समझदार हो, तुम्हें खुद फैसला करना होगा। तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अरे एमी का कुछ अता पता है? फोन लगाया तुमने एमी को? अरे पहले वो फोन नहीं उठा रही थी, अब फोन बन जा रहा है। मैं तो सोच सोच के हॉल उठ रहे हैं, कहाँ ले गई वो जेवर? अम्मी क्या हो गया? कुछ तो भरोसा रखे अपनी औलाद पर। आपकी इन्हीं बातों की वजह से अब्बा घर छोड़कर चले गए और अब एमी भी। जबान मत चलाओ मुझसे, मैं पहले ही परेशान हूँ। एमी कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन क्यों बंद था? और तुम मेरा जेवर क्यों लेके गई हो? कहाँ है वो जेवर? तुम्हें पता है मेरा आखिरी एहसास है, कहाँ है जेवर बताओ? अम्मी क्या हो गया है? अभी तो वो घर आई है, उसको सांस तो लेने दें। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जब आपका कोई अपना मरने की हालत में हो तो आप उससे बचाने के लिए खून का आखिरी कतरा भी दे देते हैं ना? मैंने भी वही किया अम्मी। जेवर गिरवी रखवाकर ये पैसे, पानी पी लो। इसीलिए मैं लड़कियों की तालीम के खिलाफ हूँ, अब बड़ों से हिसाब किताब करती है।
तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ताया के मुंह को आ रही हो? तेरी ख्वाब जिंदा रहे, तेरी ख्वाब जिंदा रहे। रमीज। हाँ बोलो फरीद। मैं यार जरा काम से आया था, आता हूँ थोड़ी देर में। यार एक काम था तुझसे। यार वो 5,000 रुपए की जरूरत थी, जैसी सैलरी मिलेगी वापस कर दूंगा तुझे। यार फरीद मैं मना नहीं करता, लेकिन मैंने अभी यूनिवर्सिटी की फीस पे की है, पूरे 30,000 रुपए। अच्छा यार ओके बोल। बिल्कुल अजीब आदमी है, बड़ा दोस्त बना फिरता है ना मेरे। वाह तुम क्या कर रही हो हैं? आजकल बस पढ़ाई चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई आ गई आ गई। जीती रहो बेटी जीती रहो। साई अम्मी नहीं आई? उसके घुटनों का दर्द उसे चैन नहीं लेने देता। जुमे को आएंगी ना सारी तैयारी के साथ। कैसे तैयारी? अरे हाँ मेरे और खलील के निकाह की। यही मॉडर्न बातें मुझे तुम्हारी पसंद हैं, और खलील भी इसी सोच का लड़का है। जी अब खलील के साथ तो मेरा लड़कपन गुजरा है, उसकी सोच के बारे में मुझे नहीं तो फिर और किसे पता होगा। अब समन तुम प्यालियों में खीर डाल के लेकर आओ। अरे जरा रहने दो, मैं मीठा बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। काम की बात करो तो मैं निकाह में कितने लोगों को अपने साथ लाऊं जुमे को? किसी को लाने की जरूरत नहीं ताया, क्योंकि अभी निकाह नहीं होगा। अभी नहीं होगा तो कब होगा? कभी भी नहीं होगा। मेरे अब्बा ने आपसे कितने पैसे उधार लिए? कैलकुलेटर का क्या? आज कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है ताया। अच्छा वो आप भूल कर आए। तकरीबन 20,00,000 रुपए। देखिए उस स्टोर में आप मेरे अब्बा के साथ बराबर के हिस्सेदार थे, ठीक है? नहीं नफा नुकसान दोनों में ठीक है? हाँ मगर देखिए तो फिर जब 6 माह तक नफा हुआ तो उसका शेयर तो मेरे अब्बा ने आपको दिया, फिर जो सारा नुकसान हुआ वो सब का सब मेरे अब्बा के कंधे पर क्यों डाला जा रहा है? जरा इसीलिए मैं लड़कियों की तालीम के खिलाफ हूँ, बड़ों से हिसाब किताब करती है। तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ताया के मुंह को आ रही हो? शर्म तो आपको आनी चाहिए ताया शौकत, कि आप हमारे घर में खड़े होके अपनी भावच को अपनी सगी भतीजियों को धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर हमने आपको आपके पैसे नहीं लौटाए तो आप मेरा। खैर सब छोड़े आप, ये ले 4,00,000 कैश, बाकी के पैसे मैं हर महीने आपको किस्त में अदा कर दूंगी। ये कहां से आए हैं? मैं इज्जतदार काम करती हूँ ताया, और जिन घरों में बाप नहीं होते जरूरी नहीं कि उनकी लड़कियां आवारा हो जाएं। ये मेरी मेहनत का एडवांस है। और जहरा निकाह वाली बात, खलील तो जान ले लेगा अपनी। अब कोई निकाह नहीं होगा ताया। निकाह नहीं होगा है? जब मामला रफा दफा हो ही रहा है तो पूरी तरह से हो ना है? जिस मकान में खड़े होके तुम्हारी बेटी अकड़ रही है, इसकी खरीदारी में भी मेरा पैसा लगा है।
क्या मतलब है आपका? ये दावा आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मेरी अम्मी ने मुझे दुकान के कर्जे के बारे में बताया जिसकी किस्त मैंने आपको अदा कर दी। अब ये घर वाला मामला क्या है? और आपको नहीं लगता ताया कि आप हम लोगों पर कुछ ज्यादा ही बोझ डाल रहे हैं? बात बतानी थी बेटी को तो पूरी बात बताती ना। चलो मैं बता देता हूँ। सुनो, तुम्हारे दादा चाहते थे कि हम दोनों भाइयों का हिस्सा बराबर का हो इस घर में, और फिर उन्होंने अपना हिस्सा डाला। अलबत्ता मंजूर इलाही अपने हिस्से के बहुत सारे पैसे पहले ही खर्च कर चुका था मुझसे लेके। तो मतलब आप इस मकान के एवज मेरा निकाह खलील से करवाना चाहते हैं? ठीक है, अगले जुम्मे आ जाएगा, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बहू को सलामी नहीं देंगे ताया? जरा मेरी बहू बहुत शरारती है। बैठो बैठो, मैं जरा खलील को फोन कर लूं। और तुम क्या कह रही थी, मीठे का घीर लेके आओ, घीर लेके आओ। हाँ भाई खलील, हाँ सब तय हो गया। माँ को बोलो तैयारियां करे, बस आना है। हाँ बे जी जुमे। चल ठीक है। अम्मी, हमारे घर के ऐसे और कौन कौन से राज हैं जो आपने मुझसे अब तक छुपाए रखे, आज बताई दें, बता दें आप आज मुझे। क्योंकि मेरे लिए जो जेवर जो छुपा के रखे थे आपने, वो तो मैं बेच कर आई और 4 लाख रुपए दे दिए, और अब जो ताया इस घर में हिस्सेदारी मांग रहे हैं उसका मैं क्या करूं, अपने आप को बेचूं? एमी तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो और क्या है अम्मी, ताया क्यों इस घर में हिस्सेदारी मांग रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारे अब्बा कमाने में हमेशा से ही कमजोर रहे हैं, और जब ये घर बन रहा था तो उन्होंने भाई शौकत से कुछ उधार लिया था। उस वक्त जायदाद इतनी महंगी नहीं थी और तुम लोग भी बहुत छोटे थे। और अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो इसलिए मैं अपने आप को बेचकर ताया शौकत का कर्जा उतार सकती हूँ, है ना? एमी मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं कब चाहती हूँ कि तुम खलील जैसे औबाश लड़के से शादी करो। तो और मैं क्या करूँ अम्मी, आप ही बताएं मैं क्या करूँ। ना ताया को मना कर सकती हूँ, ना अब्बा को जाकर तलाश कर सकती हूँ, और ना इस घर में अपनी माँ और अपनी बहन के साथ सुकून से जी सकती हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी खलील से नहीं होने दूंगी। इस तरह के लड़के को दामाद बनाने से बेहतर है कि मैं तुम दोनों को सारी जिंदगी इस घर में बिठा के रखूं। तलत भी सामान के साथ बैठ गई थक के। कहाँ है यार? तो मिले ना, इससे पूछे तो सही हम लोग।
हेलो मिस्टर, एक मिनट, आपको दिखाई नहीं देता? क्या हुआ? ये देखे। ओह अच्छा, ये है क्या? तो यहाँ आम सी बात है, साफ पानी की छींटे हैं, शुक्र करें गटर का पानी नहीं उबल रहा यहाँ पर। अच्छा ये एड्रेस बता देंगे? क्यों, मैं एड्रेस बताने के लिए गुजर रहा हूँ यहाँ से। हाँ हम यहाँ पर नए, इसीलिए पूछ लिया आपसे। हाँ वो तो नजर आ रहा है कि आपका ताल्लुक किसी देहात से ही है। सखर से हैं, और सखर पाकिस्तान का काफी बड़ा शहर है अगर आपको नहीं पता हो तो, और कराची कोई कराची वालों की मिल्कियत भी नहीं है। एमी आ जाओ ना, बताएं, बहुत पड़े हैं बताने वाले, जाएं अपने काम से। मिल गया एड्रेस। कहाँ बता रहे हैं भाई? दो घर छोड़ के। दो घर छोड़ के? अच्छा चलो। हेलो, हाँ जी सर, बस पहुंच ही रहा हूँ, मैं बाइक पर हूँ, आ रहा हूँ मैं। ओके शकीला, शकीला जी। अम्मा देखो तो जरा, ये फिर नहीं चल रहा टीवी, मेरा तो ड्रामा ही निकल गया होगा। अम्मा कल रात तो आपने इसकी किस्त देखी, दिखाई मुझे। हाँ ना, तो सेल खराब हो गए, कल ही माता तो मैं मंगवाती हूँ, मैं ऐसे चला देती हूँ। खुश रहो, वो पैसे तो ले आए थे। अब मेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं खूब साफ साफ देखा करूंगी। अच्छा ये बताओ, पैसे संभाल के तो रखे ना, वो कहीं पड़ोसन ना हाथ साफ कर दे, वो जो आती है ना, क्या नाम है उसका, बिल्किस, और उसका वो जो लौंडा साथ आता है, मुझे एक आंख नहीं भाता है, मुझे तो उस पर बहुत शक रहता है। अच्छी खासी शरीफ औरत है अम्मा, क्या हो गया आप? अच्छा सुनो, कल वो मेरे जो हरा शलवार कमीज है ना, उसको इस्त्री कर दे। क्यों अम्मा? अरे क्यों अम्मा, अरे भाई डॉक्टर के पास इस तरह सर झाड़ मुंह पहाड़ तो नहीं जाऊंगी ना। जी अच्छा, और सुनो गर्म पानी भी करवा देना, ठीक है? एक बात तो बताओ, ये गीजर कब आएगा? अम्मा सब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बस इस वक्त सबसे अहम आपका ऑपरेशन है आँख। ठीक है, ये खाओ लो। नहीं मैं बस हंडिया देखूं जा। एक बार निकाह हो जाए फिर तुम्हारी पूजा करूंगा। ये तो तुम्हारे प्यार में पागल ही हो गया। तुम्हारे अब्बा को किस तरीके से तलाश कर रहे हैं? हम तीनों कराची जा रहे हैं। जुम्मे को हमारा निकाह है और वो कराची चली गई। एक मर्तबा मुझे अमीर होने दे, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तो किसी अमीर लड़की से शादी कर ले, खुद ब खुद अमीर हो जाएगा। मुझे खलील जैसे छिछोरे को अपना शौहर मानकर चुपचाप जिंदगी से हार मान लेनी चाहिए। अरे अब्बा के भी नाखून पहले नीला हुआ और फिर हमेशा के लिए काला हो गया। अम्मी अम्मी अब जिंदा है। ख्वाब जगना, ख्वाब तारा, ख्वाब उम्मीदें हैं, रास्तों की थकन, पत्थरों की चुभन, मंजिलों की लगन, और तेरा आगमन। सिरिश्ता है